आम आदमी पार्टी ने सदस्यता के साथ कृषि कानूनों को वापस लेने पर बांटी मिठाई। सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने पर आप पार्टी ने खुशी जताते हुए अपने नवनिर्वाचित कार्यालय में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सभा करते हुए कृषि कानून के फैसले को वापस लेकर खुशी जाहिर की। आप पार्टी के विधानसभा प्रभारी मदन सिंह मेहर ने कहा कि सरकार ने यह फैसला बहुत ही पहले ले लेना चाहिए था, मगर देर ही सही। सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा और जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने बताया कि आज सदस्यता कार्यक्रम के तहत बहुत से लोगों को आप पार्टी की सदस्यता भी दिलाई और आज किसानों की जीत और सरकार की हार। और यहाँ लगभग 26 करोड़ किसान खेती कार्य में लगे हुए हैं और केंद्र सरकार ने एक साल पूर्व 3 कृषि कानून लागू किए थे जिसको जो है किसानों ने काला करार दिया था और जिसको लेकर जिसको हटाने को लेकर यहाँ के किसान पिछले एक साल से संघर्षरत थे और दिल्ली में देश पूरे देश से आए हुए किसानों ने लगभग 700 किसानों ने शहादत दी थी कि यह कानून हटे। लेकिन अहंकार में डूबी हुई, सत्ता के नशे में डूबी हुई केंद्र सरकार ने जो है उस कानून को वापस नहीं लिया और आज लगभग एक साल बीत जाने के बाद जबकि 700 लोगों की उसमें बलि भी चढ़ी है तो आज उन्होंने केंद्र सरकार ने जो है इस कृषि कानून को वापस लिया है। अब कृषि कानून को वापस तो लिया है, अब केंद्र सरकार पहले कहती थी कि हम सही हैं, हम वापस नहीं लेंगे, तो या तो पहले गलत थी वो या फिर आज गलत है। तो जो भी है आज जो कृषि कानून वापस हुए हैं हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं और आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और उत्तराखंड में जो है किसानों की मांग को लेकर काफ़ी समर्थन किया था, काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी संघर्ष किया था, सड़कों पर हम लोग उतरे थे। तो यह आम आदमी पार्टी की जीत है और यह केजरीवाल जी की जीत है जिसका हम स्वागत।